जैसे कि हमने जो है टू सर्कल्स बना दिए एंड हम उसको जो है कट करेंगे। ध्यान रखें कट जो है आप जब बच्चे कट करें तो कोई साथ में बड़ा होना चाहिए जिससे उनको कोई हाथ में इंजरी ना हो। ऐसे हमने कट कर लिए ऐसे। फिर हम इसमें जो है पेंसिल से एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे हनी बी की, जो कि इसके विंग्स होंगे। ओके बच्चों, ऐसे हम विंग्स ड्रॉ करेंगे एंड कट करने के बाद वो ऐसे लेंगे। टू हमने कट कर लिए, कोई बच्चा साथ में बड़ा होना चाहिए, ये ऐसे हो गया। अब हम ग्लू से फेविकोल से इसको जो है यहाँ पर सीट पर पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा हमें ग्लू लगाना है जिससे कि वो ज़्यादा अनटाइडी ना हो और जो है पेपर फटे ना। ठीक है, एक हमने नीचे लगा दिया, ये मधुमक्खी का स्टमक हो गया, ये ऊपर फेस हो गया, ये नीचे की बॉडी हो गई। ओके बच्चों, ऐसे हमने जो है बच्चों को ये हमने ये बन गई बी की हुआ मधुमक्खी की बॉडी। हम इसके विंग्स लगाएंगे, विंग्स हो गए ये। विंग्स लगाने के बाद जो है हम जो है ये लगाएंगे सेकंड विंग्स एंड जो है सेकंड विंग्स लगाने के बाद हम जो है इसकी आइज़ लगाएंगे। ये एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है बच्चों के लिए, काफ़ी बच्चे इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि उनको कुछ अलग मिल रहा है करने को। इसकी हम फिर जो है आइज़ लगा देंगे। आइज़ जो है ये स्टेशनरी पर मिलती है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ की, इनके एक पैकेट आता है जिसमें 10 आइज़ होती है। आइज़ लगा दी, ये हो गई आइज़ मधुमक्खी की। एंड जो है हम इसका फेस बना देंगे जो कि इसके स्केच पेन से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड जो है फेस इसका बनाने के बाद हम जो है इसके जो है दो वो बना देंगे एंटीनास, जिसको डन वो बोलते हैं। ये इसका एंटीना हो गए मधुमक्खी के हनी पी के। देन ये करने के बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ये देखो आज हमने ये हनी भी बना दी है मधुमक्खी। आई होप आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।